पेट्रोल हो गया है भाई काफी महंगा, तो हमने बोला चलो यार कुछ जो है वो हाइब्रिड गाड़ियां भी जो है वो आप लोगों ने ऐड कर लें। तो अभी जो 8 की ऑल्टो अभी हम लोगों को जो है वो मार्केट में मिल चुकी है, तो कुछ 6-12 की निशान एडी अभी हम लोगों को जो है मिल चुकी है। तो 2003 का मॉडल है, केज वगैरह जो है वो लगा हुआ है फ्रंट से, गाड़ी का शेयर ढक्कन तो बंद हमने कर दिया है। अब भाई के पास चलते हैं। 2008 की ऑल्टो अभी हम लोगों को जो है वो मार्केट में मिल चुकी है, तो कोशिश करेंगे भाई जो हमारे ऑल्टो वाले जितने हजरात थे, तो देखने में बैलेंस गाड़ियां जो है वो लेके चल रहा हूँ, ना ज्यादा आगे के मॉडल दिखा रहा हूँ ना ज्यादा पीछे के, क्योंकि जब मैं लाइव आया था कल तो सब लोगों ने ये बोला भाई बैलेंस जो है वो लेके चलिएगा थोड़ा सा। सो अभी जो है वो कम रेट वाली थोड़ी गाड़ियां ऐड कर रहे हैं, फ्री एक इंशाल्लाह ताला ऊपर भी जाएंगे कम रेट की, और इससे कम रेट की गाड़ियां भी जो है वो दिखाएंगे। तो इस गाड़ी के बारे में अगर बात करें, 2008 का मॉडल है, अलायरेंस वगैरह गाड़ी में लगे हुए हैं, बाकी कंडीशन जो है वो आप लोगों के सामने गाड़ी की आप लोगों को एक्यूरेट नजर आ रही होगी। इसी तरीके से चलते हैं, चल के गाड़ी का जो है पूरा ओवरव्यू लेते हैं भाई किस तरीके से है गाड़ी। तो साइडें वगैरह जो है वो आप लोग मेरे साथ साथ ही देखें किस तरीके से आप लोगों को मिल रही है गाड़ी। बैक साइड वगैरह की अगर मैं बात करूं तो बैक साइड आप लोगों को यहाँ से जो है वो एक नज़र दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप लोग चेकआउट करें, रूफ वगैरह क्लियर आप लोगों को नजर आ रही होगी, नीचे की साइडें वगैरह बम्पर्स वगैरह जो है वो गाड़ी के देखने हैं। बाकी एक अभी जो गाड़ी का ऑनर है जब उनसे बात करेंगे तो और ज़्यादा इसके बारे में मजीद बात कर लेंगे कि भाई क्या हिसाब किताब है, गाड़ी कैसी है, बॉडी वाइज हर चीज़ जो है वो हम लोग गाड़ी की पहुँचेंगे। तो वैसे तो जो है वो इन्होंने इतना ज़्यादा इसमें पॉलीगेट का काम नहीं करवाया, मैं अगर आप लोगों को यहाँ से दिखाऊँ तो यहाँ से जो है वो तो ये वाला सीन है, थोड़ा रफ रफ़ यहाँ से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, नीचे की साइडों पे भी दरवाज़ों पे भी अगर देखें सो ये वाला सीन जो है वो आप लोगों को गाड़ी में नज़र आ रहा होगा। लेकिन फिर भी ये कि मैं कोशिश करता हूँ जो ऑनर हैं गाड़ी के जब उनसे बात करूँ तो आप लोगों को फिर जो है वो डिटेल दूँ, क्योंकि वही वाली बात है, अगर मैं कुछ और बोल दूँ वो कुछ और बोले बोलेंगे एहसन भाई देखो आपने क्या बोल दिया। तो चलें जी आप लोगों को साइडों से दरवाजे वगैरह भी दिखा देते हैं। तो यहाँ से आप लोग नीचे की साइडें वगैरह जो है वो चेकआउट करना है, डोरियों वगैरह का मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, तो वो जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उन लोगों को जो है बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग जो है वो देख लीजिएगा। यहाँ से आप लोग नीचे की फुटपाथियाँ वगैरह गाड़ी की चेकआउट कर लें, ऊपर की साइडें चेक कर लें, पिलर्स वगैरह गाड़ी के जो है वो देख लें, और इसी तरीके से अगर हम गाड़ी के अंदर से बात करें डैशबोर्ड वगैरह के ऊपर मैट वगैरह इन्होंने डाल रखा है, मेंटेन कर रखा है, LCD पैनल वगैरह गाड़ी के अंदर जो है वो लगा हुआ है। सीट कवर्स की अगर बात करी जाए तो आफ्टर मार्केट सीट कवर्स वगैरह गाड़ी के अंदर मेंटेन है, नीचे रबर मैट्स वगैरह डले हुए हैं। तो ये तो हो गए इंटीरियर की बात, बैक साइड का डोर भी हम लोग देख लेते हैं एक नज़र। सो ये लॉक है, इसको खोल लेते हैं यहाँ से हम लोग। सो यहाँ से भी गाड़ी जो है वो आप लोग देख लें, पीछे की साइडें भी जो है वो आप लोग चेकआउट करें, इसी तरीके से फुटपाथियाँ वगैरह बैक साइड की और बैक साइड की सीट्स। तो ये तो हो गई बात इंटीरियर की, अब इंजन रूम जो है वो गाड़ी का देखते हैं भाई, इंजन रूम से भाई ने गाड़ी जो है वो किस तरीके से रखी हुई है, क्योंकि मेन जो है वो इंजन रूम आ जाता है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई इंजन रूम हमें जो है वो सही से दिखाया करें। तो ये आप लोग चेकआउट कर लें, फ्रंट से जो है वो गाड़ी को देख लें, पूरी फ्रंट पट्टी वगैरह आप लोगों के सामने है, ड्राई बैटरी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें साइडों कुप्पो वगैरह की, तो भाई कुप्पे वगैरह ओके हैं इसके, कोई मकसद एक्सीडेंट वगैरह तो कुछ इस तरीके से तो नहीं, ओरिजिनली रखा हुआ है आपने गाड़ी को। तो यहाँ से भाई बता रहे हैं ओरिजिनल वगैरह जो है वो रखा हुआ है गाड़ी को, बाकी आप लोग यहाँ से जो है बैक साइड वगैरह देख लें गाड़ी की। सो ऑल्टो हो गई, हैरान हो गए ना यार, इसमें रश बड़ी जल्दी आती है, उस हिसाब से जो है वो गाड़ी को आप लोग देखिएगा, मैं आप लोग को यहाँ से दिखा रहा हूँ चीज़ें सारी। सो इस फ्रंट से भी मैंने आप लोगों को इंजन रूम पूरा दिखा दिया, भाई से बातचीत कर लेते हैं, मालूम करते हैं भाई गाड़ी की क्या डिमांड है। भाई अद्दान भाई की जो है ये गाड़ी है, सर गाड़ी तो जो है वो ओवरऑल दिखा दी गई है, 2008 की ऑल्टो है, सर गाड़ी कैसी है ये? गाड़ी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, इंजन से सस्पेंशन से हर चीज़ वगैरह ओके है। अच्छा बॉडी वाइज अगर हम गाड़ी की बात करें, बॉडी अच्छी है, बस बम्पर में थोड़ा सा मसला है। ऊपर से शावर करवाई हुई है गाड़ी आपने? शावर नहीं हुई, शावर नहीं हुई, नीचे नीचे से साइडों से तो थोड़ी बहुत नीचे से जो है वो हुई है, बाकी ऊपर से ओरिजिनल आपने रखी हुई है। अच्छा एक साइड के कुप्पे पे मुझे डाउट हो रहा था, जैसा मैंने आपसे पूछा वीडियो में भी पूछा था, तो ये ओरिजिनल है? वो ओरिजिनल है मेरा ख्याल, उसका थोड़ा सा 19-20 का होगा, 19-20 है, यानी कि आप जब कॉल करेंगे तो फिर जो है वो अच्छे से गाइड कर देंगे। सो भाई कॉल कर लिएगा, उसके कुप्पे के बारे में जो मैंने आप लोग को बताया वीडियो में, वो भाई आपको जो है और अच्छे से जो है वो गाइड कर देंगे। बाकी एवरेज वगैरह क्या दे देती है गाड़ी? अच्छी है, 18-20 तक देती है। ठीक है, कभी तंग तो नहीं करती गाड़ी चलते फिरते? हर चीज़ ओके है, हर चीज़ जो है वो एसी वगैरह इसका चलता है। ठीक है, क्या डिमांड रखी है सर आपने? डिमांड इसकी है 6 लाख, 6 लाख रुपए, 6.5 तक हो जाएगी, 6.5 तक जो है वो, और इसका टैक्स वगैरह सबके लिए हर चीज़ फ्री है। ठीक है, 6.5 तक जो है ये गाड़ी आप लोगों को मिल जाएगी, तकरीबन सारी डिटेल्स हम लोग आप लोगों को गाड़ी की बता चुके हैं। इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई का कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग शेयर कर लेते हैं, सर अपना नंबर 0302-7327-5594। तो ये जो है वो भाई का नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कराची में कहाँ देख सकते हैं ये गाड़ी? कराची जुनसाबाद में है, माड़ीपुर। ठीक है, माड़ीपुर में आप लोग ये गाड़ी विजिट कर सकते हैं। चलिए शुक्रिया। किया स्पोर्टिश, तो कल मैं जब लाइव गया था तो एक हमारे भाई जो है वो हमारे साथ आए थे, और उन्होंने जो है रिक्वेस्ट करी थी कि एहसन भाई किया की गाड़ियां जो है वो आजकल कम दिखा रहे हैं, और बेसिकली उन्होंने जो है वो किया क्लासिक की रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन मुझे ये गाड़ी किया की खड़ी नजर आई, तो मैंने बोला चलो यार काफ़ी ओल्ड भी हो गई है और काफ़ी टाइम से जो है ये गाड़ी मैंने वीडियो में ऐड भी नहीं करी थी, तो चलें जी आज जो है वो ऐड कर लेते हैं।
2003 का मॉडल है, केज वगैरह जो है वो लगा हुआ है फ्रंट से। गाड़ी आप लोग देखें, चेकआउट जो है वो करें, गाड़ी किस तरीके से जो है वो आप लोग को मिल रही है। अलॉय रिम्स वगैरह जो है वो गाड़ी की आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से जो है वो आप लोगों को साफ सुथरा नजर आ रहा होगा, यानी कि लाइन्स वगैरह जो है वो इसकी सही नजर आ रही होंगी। बाकी बॉडी किटेड वगैरह इस तरीके से जो है वो गाड़ी आप लोगों को मिल रही है। सो एक पूरा ओवरव्यू गाड़ी का जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से गाड़ी आप लोगों को जो है वो मिलती है। सो बैक साइड पे आ चुके हैं, बैक साइड से भी गाड़ी जो है वो चेकआउट करें किस तरीके से जो है वो आप लोगों को मिल रही है। रूफ वगैरह यहाँ से देखें, बैक साइड वगैरह देखें, पूरी गाड़ी क्लियर रखी हुई है उन्होंने, कोई डेंट कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। बाकी हल्का फुल्का होता है तो वो तो जाहिर सी बात है आप लोगों के सामने ही होता है। कोशिश करता हूँ कि भाई आप लोगों को दिखा दूँ मैं जो भी हो। देखें इस तरीके के बोलता हूँ, हल्के फुल्के का मतलब होता है जैसे ये हो गया छोटा सा है, तो ये हल्के फुल्का होता है तो वो वीडियो में ही जो है वो आप लोगों को नज़र आ रहा होता है सारी चीज़ें। और इसी तरीके से गाड़ी की जो है वो लेफ्ट हैंड साइड भी आप लोग देख लें, यहाँ से भी क्लियरली आप लोगों को जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो ये तो हो गई बॉडी की ऊपर ऊपर की बात, इंटीरियर वगैरह आप लोगों को दिखाते हैं इंटीरियर से गाड़ी किस तरीके से है। सो चलिए जी इंटीरियर वगैरह भी आप लोगों को गाड़ी का जो है वो दिखा दें, तो इंटीरियर आप लोग जो है वो चेकआउट कर लें, दरवाजे वगैरह जो है वो आप लोग यहाँ से देख लें। तो हमारे बहुत सारे भाई बोलते हैं कि आप चेकआउट इतना क्यों बोलते हो, तो बस ऐसे ही यार आप लोग के सामने ही वीडियो बना रहे होते हैं और सिर्फ गाड़ी के बारे में बता रहे होते हैं। बाकी आप लोग यहाँ से जो है वो दरवाजे चेक कर लें, यानी कि डोर पैनल्स गाड़ी के जो है वो देख लें किस तरीके से हैं। अच्छा, ऑटो ट्रांसमिशन पे गाड़ी है, एलसीडी पैनल वगैरह गाड़ी के अंदर लगा हुआ है। डैशबोर्ड वगैरह की अगर बात करूँ, डैशबोर्ड वगैरह सही है, साफ़ सुथरा जो है वो नॉर्मल कंडीशन में इन्होंने जो है वो रखा हुआ है। बाकी पॉलिशिंग वगैरह होगी और अच्छा हो जाता है। सीट्स की अगर बात की जाए तो नॉर्मल जो आफ्टर मार्केट वाली सीट्स होती हैं वो इसके अंदर जो है वो आप लोगों को कवर वगैरह जो है वो मिल रहे हैं और मेंटेन करा हुआ अपनी तरीके से। रबर मैट्स वगैरह डाले हुए नीचे, फुटपाथियाँ वगैरह आप लोग यहाँ से जो है वो गाड़ी की देख लें। बैक साइड में आप लोगों को दिखाता हूँ, तो रिपीट कर रहा हूँ, 2003 का ये मॉडल मैं आप लोगों को किया स्पोर्टिज का दिखा रहा हूँ, तो आप लोग जो है वो देखते रहें। बाकी की कोशिश करेंगे आप लोगों को इसकी सारी डिटेल्स वगैरह जो ऑनर हैं उनसे जब बात करें तो अच्छे से जो है बता दें। सो इंटीरियर भी आप लोगों को जो है वो दिखा दिए, आप चलते हैं चल के गाड़ी का इंजन रूम भी देख लेते हैं कि इंजन रूम से गाड़ी जो है वो आप लोगों को किस तरीके से जो है मिल रही है, इसकी साइडें वाइडें जो है वो किस तरीके से हैं। ऑटो अल्ट्रेशन। सो हाँ भाई बता रहे हैं भाई, ऑटो अल्ट्रेशन यानी कि इंजन चेंज है इसका। सो ये आप लोग जो है वो देखें, फ्रंट से मैं आप लोगों को गाड़ी दिखा दूँ तो शो वगैरह ग्रिल वगैरह लाइट्स वगैरह चेक कर लें गाड़ी के, यहाँ से स्ट्रीट आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। बाकी साइडें वगैरह भी जो है वो गाड़ी की आप लोग यहाँ से इस तरीके से देख लें, बैक साइड वगैरह जो है वो गाड़ी की देख लें। बैटरी वगैरह इसमें बड़ी जो है वो 90 एम्पेयर की या समथिंग इस तरीके से जो है वो बड़ी बैटरी वगैरह लगी हुई है। तो बस अब चलते हैं भाई से बातचीत करते हैं, मालूम करते हैं सारी डिटेल्स वगैरह लेते हैं। अभी तो ओवरऑल जो है दिखा दिए, 2003 का ये मॉडल है, गाड़ी चलने में कैसी है सर? ये चलने में बिल्कुल सही है, इंजन सस्पेंशन वगैरह बिल्कुल सारी चीज़ें जो है ओके हैं। अच्छा, आपने इंजन इसके अंदर कौन सा डाला है? 2400 cc डीजल। 2400 cc डीजल जो है डाला है, क्या एवरेज वगैरह दे देती है ये गाड़ी? बड़े सफर पे 12-13 देती है और लोकल पे 10 तक का जो है देती है। इसके पेपर वगैरह हर चीज़ क्लियर है, टैक्स वगैरह पेड है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, 2400 cc का कितना टैक्स होता है तकरीबन? मतलब इस गाड़ी का टैक्स जो होगा वो तकरीबन कितना होता है? 1800-2000 रुपये के करीब जो है वो होगा, ठीक है। तो ये डिटेल्स हैं गाड़ी की। अच्छा, बाकी खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट वगैरह गाड़ी नहीं, कुछ हर चीज़ से क्लियर है गाड़ी। ओरिजिनल कलर में पूरी गाड़ी या कोई पीस टचअप नहीं है? ठीक है, थोड़ा बहुत टचअप है गाड़ी में। क्या आपने रेट रखे गाड़ी के? 20 लाख रुपये। सो 20 लाख रुपये गाड़ी की जो है वो डिमांड कर रहे हैं, किया स्पोर्टेज 2003 का ये मॉडल है। सारी डिटेल्स जो है वो आप लोगों को बता दी। इसके अलावा भी कोई डिटेल्स अगर आप लोगों को चाहिए हो तो सुबह खान साहब से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। सर अपना नंबर शेयर कीजिएगा। 0300-2029-180। तो ये जो है वो खान साहब का नंबर है। अच्छा मुझे ये बताएं, कराची में अगर देखनी हो गाड़ी कहाँ देख सकते हैं? गुलशन-ए-मेमार। तो गुलशन-ए-मेमार की लोकेशन पर ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। चलिए शुक्रिया। पेट्रोल हो गया है भाई काफी महंगा, तो हमने बोला चलो यार कुछ जो है वो हाइब्रिड गाड़ियां भी जो है वो आप लोगों ने ऐड कर लें। तो अभी जो गाड़ी हम लोग के पास मौजूद है ये है होंडा की जेड के नाम से ये गाड़ी हम लोग के पास मौजूद है। सो कोशिश करेंगे भाई ये गाड़ी आप लोगों को अच्छे से दिखाते हैं। तो गाड़ी आप लोगों को काफी यूज शुरू में जो है वो नजर आ रही होगी, तो काफी बड़ी सी जो है ये गाड़ी है। बाकी इसकी बेसिक डिटेल्स वगैरह जो होंगी जो गाड़ी के ऑनर है जब उनसे बातचीत करेंगे तो और मजीद जो है वो आप लोगों को बता देंगे। गाड़ी के लुक्स वगैरह जो है वो आप लोग फ्रंट से जो है वो एक नजर चेकआउट कर लें किस तरीके से जो है वो गाड़ी आप लोगों को मिल रही है। प्रोजेक्शन लाइट्स वगैरह है गाड़ी के अंदर, बाकी फ्रंट से बिल्कुल क्लियर है। बॉडी किटेड वगैरह जो है वो नीचे से आप लोगों को अच्छी सी जो है वो गाड़ी नजर आ रही होगी। बाकी फ्रंट लुक भी जो है वो गाड़ी का आप लोग देखें किस तरीके से आप लोगों को गाड़ी जो है मिलती है। बाकी साइडें वाइडें मैं आप लोगों को जो है वो एक नज़र दिखा देता हूँ कि साइडों से गाड़ी जो है वो किस तरीके से आप लोगों को मिलती है। तो कोई स्क्रैचेस नहीं है, कोई डेंट्स वगैरह नहीं है, गाड़ी बिल्कुल क्लियर है। अलॉय रिम्स वगैरह आप लोगों को जो है वो गाड़ी के अंदर नजर आ रहे होंगे। तो चलते हैं चल के गाड़ी का एक ओवरव्यू देखते हैं भाई गाड़ी किस तरीके से है। तो बैक साइड देख लेते हैं भाई, बैक साइड से किस तरीके से आप लोगों को मिलती है गाड़ी। तो ये आ गए भाई हम लोग गाड़ी की बैक साइड पे, बैक साइड से भी गाड़ी जो है वो आप लोग चेकआउट कर लें, दोनों लाइट्स वगैरह देख लें, डिक्की वगैरह बम्पर्स वगैरह। और यहीं से अगर आप रूफ वगैरह की बात करें गाड़ी की तो रूफ भी आप लोगों को क्लियरली जो है वो नजर आ रही होगी। 6/12 की निसान एडिया भी हम लोगों को जो है मिल चुकी है। तो भाई हमारे जो भी हजरात हैं जिन्होंने मुझे बोला था कि भाई निसान एडी चाहिए, तो ये गाड़ी जो है वो आप लोग देख लें। ऊपर से शावर्ड है, अंदर से जेन्युइन है, अलॉय रिम वगैरह गाड़ी के अंदर जो है वो लगे हुए हैं।
बाकी गाड़ी की अगर बात की जाए तो गाड़ी भाई आप लोगों को बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में जो नजर आ रही होगी। साइड वाइड चेक करें, स्क्रैचेस वगैरह कोई नजर नहीं आ रहे होंगे गाड़ी में। कोशिश करेंगे भाई गाड़ी अच्छे से आप लोगों को दिखा दें। सो गाड़ी आप लोग चेक कर लें। फ्रंट से भी अगर मैं बात करूं तो दोनों लाइट्स वगैरह देखें, इंडिकेटर्स वगैरह देखें, गाड़ी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर जो है वो नजर आ रही होगी। इसी तरीके से हम लोग गाड़ी की ड्राइविंग साइड की अगर बात करें तो ड्राइविंग साइड भी क्लियर है। यहाँ पर भी आप लोग एक नज़र जो है वो देख लें, कोई स्क्रैचेस या कोई डेंट्स वगैरह नहीं है। अगर देखें हल्का फुल्का कोई एक आध होता है तो जाहिर सी बात है वीडियो में ही आप लोगों के सामने होता है, वैसे तो इसमें मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। अगर दिखता है तो मैं आप लोगों को जो है बताता हूँ। तो गाड़ी की अगर बात करें भाई 6/12 का ये मॉडल है। रिपीट करने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग हमारे बोलते हैं कि भाई हसन भाई थोड़ा रिपीट कर दिया करो, ये मॉडल बताया करो। तो भाई देख लो दोबारा से, 6/12 का ये मॉडल है निसान एडी जो है गाड़ी में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बैक की लाइट्स वगैरह जो है वो आप लोग चेकआउट कर लो। तो कैपेसिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छी जो है ये गाड़ी होती है। बहुत सारे लोग जो प्रेफर करते हैं कि भाई उनको कैपेसिटी लगेज जो है स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो उनके लिए गाड़ी बेस्ट है। बाकी जिन लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी वो मुझे ज़रूर बताइए कि भाई उनको गाड़ी जो है वो कैसी लगी। इसी तरीके से गाड़ी की रूफ वगैरह भी आप लोग यहाँ से जो है वो देख लो किस तरीके से आप लोगों को जो है मिल रही है। सो ये तो हो गई बॉडी की बात, बॉडी तो ऊपर से पूरी मैंने आप लोगों को दिखा दी। इंटीरियर अब देखते हैं गाड़ी का, भाई इंटीरियर से गाड़ी जो है वो किस तरीके से रखी हुई है भाई ने। सो ये आ गए भाई इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में बात करें हम गाड़ी के दरवाजों की, तो दरवाजे आप लोग नीचे से देख लें, यहाँ पर रस्ट वगैरह आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा। एक आध पॉइंट हो तो वो इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर आप लोगों को तंग करता है। गत्ते वगैरह गाड़ी के बिल्कुल साफ है, यानी कि डोर पैनल्स गाड़ी के बिल्कुल क्लियर हैं। और अंदर आ जाते हैं, अंदर से अगर हम गाड़ी की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा डैशबोर्ड वगैरह गाड़ी का क्लियर मिल रहा है। ऑटो ट्रांसमिशन पे जो ये गाड़ी है सीट साफ सुथरी, आफ्टर मार्केट सीट कवर्स वगैरह गाड़ी के अंदर मेंटेन हुए हैं। नीचे मैटिंग वगैरह हुई हुई है गाड़ी में, फुटपाथियाँ भी गाड़ी के क्लियर हैं। पिलर्स की अगर बात करूँ तो पिलर्स भी आप लोग यहाँ से जो है वो देखना, आप लोगों को साफ सुथरे जो है वो नज़र आ रहे होंगे। बैक साइड का डोर आप लोगों को दिखा दूँ तो बैक साइड भी इसी तरीके से भाई देखना, बैक की सीट्स वगैरह पे पूरे आफ्टर मार्केट सीट कवर्स वगैरह गाड़ी के मेंटेन कर रखे हैं। नीचे मैटिंग हुई भी है, फुटपाथियाँ बैक साइड की भी क्लियर हैं, पिलर यहाँ से भी आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा। और बाकी दरवाज़ा तो ये देखना आप लोगों के सामने। अच्छा डोरियों का मैं हमेशा आप लोगों को बताता रहता हूँ, तो भाई डोरियाँ जो है वो आप लोगों को दिखाने का मकसद ही होता है, समझाने का मकसद ही होता है कि भाई डोरियाँ वगैरह भी देखा। भाई एक चीज़ आप बताइएगा, हमारे बहुत सारे व्यूअर पूछते हैं कि ओरिजिनल डोरी कैसी होती है, बताएं सर। सर आपके नहीं भी आज ये सवाल हो गया। ओरिजिनल डोरी जो होती है ना उसमें ये बिल्कुल कभी प्लेन नहीं होती है। ठीक है, ओरिजिनल डोरी जो होती है वो सॉरी बनी हुई जो होती है प्लेन नहीं होती। ठीक है, और जो बनी हुई होती है वो ऊपर नीचे कहीं ना कहीं से जो है वो हो रही होगी। तो यही होती है चीज़ें। पीछे भी गाड़ी मैंने आप लोगों को एक दिखाई थी, उसके अंदर बताने का मकसद ये होता है, जब मैं बोलता ना कि डोरियाँ वगैरह भी देखा करें तो देखा करें, साथ साथ ही मेरे आप लोगों को सिखाने का मकसद ये है कि भाई गाड़ी इतने टाइम से अगर आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हो तो आपको गाड़ी चेक करना आ जानी चाहिए, ऐसा ही है भाई। सो इंजन रूम देख लेते हैं गाड़ी का, इंजन रूम से गाड़ी जो है वो किस तरीके से आप लोगों को मिलती है। सो ये आ गए भाई हम लोग गाड़ी के इंजन रूम की तरफ, तो यहाँ से भी गाड़ी मैं आप लोगों को जो है वो दिखाऊँ। तो फ्रंट से आप लोग चेकआउट कर लो, फ्रंट की पट्टी वगैरह यहाँ से आप लोगों को क्लियरली जो है वो नज़र आ रही होगी। इसके अलावा गाड़ी के कुप्पों वगैरह की अगर बात करूँ तो कुप्पे भी आप लोग यहाँ से जो है वो देखो, यहाँ से क्लियरली आप लोगों को बिल्कुल साफ है, यहाँ पर कोई रस्ट वगैरह नहीं है। और इसी तरीके से गाड़ी की बैक साइड की अगर बात करें तो फायर वॉल वगैरह भी गाड़ी की जो है वो साफ सुथरी क्लियर जो है वो आप लोगों को दिख रही होगी, यहाँ पर भी कोई रस्ट वगैरह नज़र नहीं आ रहा। इसी तरीके से दूसरी साइड का कुप्पा भी जो है वो आप लोगों को क्लियर मिल रहा है। और इंजन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर ऑयल लीकेज वगैरह जो है वो नज़र नहीं आ रही होगी। आप लोग साइड वाइड देखें, अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से खुश नज़र आ रहा होगा, वरना बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी होती है ना भाई ऑयल ऑयल हो रहा है, तो वो वाला सीन नहीं है, गाड़ी जो है वो यहाँ से भी क्लियर है। सो लाइक सब्सक्राइब शेयर ढक्कन तो बंद हमने कर दिया है, अब भाई के पास चलते हैं, भाई से बातचीत कर लेते हैं, मालूम करते हैं भाई क्या डिमांड रखी है। सो वसीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वसीम भाई की जो है ये गाड़ी है। वसीम भाई आपसे तो सवाल करने का कोई मकसद ही नहीं बनता, आप बताएं सर ये गाड़ी कैसी है। 6/12 की ये मॉडल है, बाहर से गाड़ी शावर है, अंदर से पूरी गाड़ी जेन्युइन है। ठीक है, बाहर से शावर है, अंदर से जेन्युइन है, कोई काम वगैरह नहीं है, इंजन सस्पेंशन एसी सब चीज़ है। एसी ऑन नहीं है, एसी ऑन नहीं है। और सीएनजी लगी हुई है, पेट्रोल पे सीएनजी लगी हुई है ना, पीछे दिखी थी मुझे लगी हुई है मैंने, हाँ वो वीडियो में आई है ना। अच्छा पीछे लगी हुई है, लेकिन मेरे ख्याल से पेट्रोल पे जो है वो गाड़ी आप चला रहे हैं। कितने सीसी गाड़ी है सर ये? खैर मुझे भी इतना कंफर्म नहीं है, एडी का काफी कम जो है मैं ऐड करता हूँ, तो जिनको पता है वो नीचे कमेंट ब्लो कर दिएगा कि क्या है। एवरेज वगैरह का भी इतना आइडिया नहीं है, तकरीबन 10-12 तकरीबन यही जो है वो एवरेज होगा, क्योंकि बड़ी गाड़ी जो होती है ना हमेशा वो उसका एवरेज जो है वो इतना ही होता है। सर क्या डिमांड रखी है? इसी 11 की डिमांड है, 11 लाख रुपए की। तो 11 लाख रुपए की जो है डिमांड है 2006-2012 की निसान एडी जो है ये गाड़ी है। इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं वसीम भाई से। वसीम भाई अपना नंबर शेयर करें, 0317-0317-4726-4726-359-359। तो ये जो है वसीम भाई का नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और मजीद मालूम ले सकते हैं। चलिए शुक्रिया वसीम भाई।